एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भी भारत से पंगा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिससे मालदीव की चिंता बढ़ने लगी है। और जब से मालदीव ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, तभी से भारत और श्रीलंका के रिलेशन को एक नई मजबूती मिलना शुरू हो गई है। क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों में भारत की तरफ से पुणे गैस के द्वारा श्रीलंका में एलपीजी प्रोजेक्ट सेटअप किया गया, वहीं अब भारत के द्वारा श्रीलंका में एलएनजी की सप्लाई बढ़ने जा रही है। यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई श्रीलंका में बढ़ाने के बाद उन देशों में भारत की एलएनजी सप्लाई कम हो सकती है जो एलएनजी इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए मालदीव की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि मालदीव एलएनजी का इंपोर्ट मेनली भारत से ही करता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की सप्लाई श्रीलंका में बढ़ाने जा रहे उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल नेपाल, श्रीलंका, भूटान समेत मालदीव्स और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा ही किया जाता है। वैसे तो डायरेक्टली भारत के द्वारा एलएनजी की सप्लाई अभी तक इन देशों को नहीं होती थी, लेकिन इनडायरेक्टली यह देश भारत से एलएनजी इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो इन सभी देशों को भारत के द्वारा सस्ते दामों में नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर ऐसे में भारत के द्वारा नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए तो इन देशों में एलपीजी और सीएनजी जैसी गैसों की आपूर्ति नहीं हो सकती। और श्रीलंका ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत का साथ दिया है, उससे भारत भी श्रीलंका की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसीलिए भारत के द्वारा श्रीलंका में एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानी मानी नेचुरल गैस सप्लायर कंपनी पेट्रोनेट श्रीलंका में एलएनजी की सप्लाई को शुरू करने जा रही है। और कमाल की बात यह है कि श्रीलंका को भारत के द्वारा डायरेक्टली एलएनजी की सप्लाई की जाएगी और इसे डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाया जा सकता है। और देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके कारण श्रीलंका में एलएनजी सप्लाई करने की तैयारी पाइपलाइन के थ्रू की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में भारत और मालदीव के बीच कुछ डील हुई थी, जिसमें इस साल यानी कि 2024 में भारत मालदीव को नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाला था, लेकिन मालदीव का चीन की गोद में बैठकर भारत को तेवर दिखाने का अंजाम उल्टा उसी पर भारी पड़ चुका है। फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच एलएनजी के लिए फाइनल की गई इस डील को देखा जाए तो इसमें भारत की पेट्रोनेट एलएनजी श्रीलंका में हर साल 300 मेगावाट कैपेसिटी की नेचुरल गैस सप्लाई करने का काम करेगी। शुरुआती दौर में तो एलएनजी की सप्लाई कंटेनर के द्वारा की जाएगी, जिसमें भारत और श्रीलंका के आइलैंड के बीच शिपिंग के माध्यम से आसानी से नेचुरल गैस की सप्लाई करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसे पाइपलाइन के जरिए भेजने का काम किया जाएगा। क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ऑलरेडी एक 300 मेगावाट क्षमता वाली रिफाइनरी प्लांट को सेटअप किया जा चुका है, जहां पर श्रीलंका के पास रिफाइन करने के लिए गैस मौजूद नहीं है। यानी कि देखा जाए तो श्रीलंका में इस समय नेचुरल गैस की डिमांड काफी ज्यादा है और यह भारत के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच इस डील में कंटेनर के माध्यम से भारत और श्रीलंका के सबसे नजदीकी आइलैंड द्वारा सप्लाई की जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिस कंटेनर द्वारा लंग की सप्लाई होगी उसकी कैपेसिटी 17 टन तक होगी, जहां हर दिन लगभग 850 टन एलएनजी हर दिन श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर श्रीलंका में नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हर दिन लगभग 50 कंटेनर भारत के द्वारा शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ समय बाद इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कम हो रही हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। और सीएनजी की डिमांड बढ़ जाने से श्रीलंका में और भी ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना होगा। वैसे भी इस समय भारत और श्रीलंका के रिलेशन पहले से ज्यादा मजबूत और अच्छे हो रहे हैं, जिससे भारत के लिए यह एक अच्छा और मददगार कदम साबित हो सकता है। हालांकि
भारत में प्रोड्यूस होने वाली नेचुरल गैस के बलबूते श्रीलंका को सप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में कुल नेचुरल गैस जरूरतों का 45% हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि केवल 55% ही नेचुरल गैस भारत में प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए भारत उन देशों में नेचुरल गैस इंपोर्ट करने का मौका तलाश रहा था जहां से सस्ते दामों में नेचुरल गैस भारत को मिल सके, जिसके लिए भारत को यही मौका कतर में मिल गया है, जो कि भारत को आने वाले 20 सालों तक सस्ते दामों में नेचुरल गैस बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि कतर के अलावा भारत, रूस, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से भी नेचुरल गैस का आयात करता है, लेकिन इन देशों से नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है, और भारत को जो मौका कतर ने दिया, भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आने वाले 20 सालों तक के लिए नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने की डील को फाइनल कर लिया है, जिसमें $70 बिलियन की नेचुरल गैस खरीदने की डील को फाइनलाइज किया गया है, जहां हर साल लगभग 7.5 मिलियन टन LNG को भारत की पेट्रोनेट कतर से खरीदने का काम करेगी। और देखा जाए तो कतर से जो नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाएगी वह भारत की जरूरत से कहीं ज्यादा है, यानी कि भारत की जरूरत के अलावा जो नेचुरल गैस बचेगी उसे श्रीलंका में बेच दिया जाएगा। इसके अलावा नेचुरल गैस की कुछ मात्रा भारत में रिफाइन करके LPG और CNG जैसी गैसों को भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहां तक कि इस समय भी भारत से यूरोपीय देशों समेत मिडिल ईस्ट के देशों में LPG का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा भारत की जानी मानी कंपनी अदानी टोटल गैस ने नेचुरल गैस को प्राइमरी फ्यूल बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है, जिसमें अदानी ग्रुप LNG रिफाइनरीज का सेटअप तैयार करने जा रही है, जिससे भारत में ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस रिफाइंड हो सकेगी, और ज्यादा मात्रा में LNG रिफाइन करके हम दूसरे देशों में भी LPG और CNG जैसी गैसों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं। नेचुरल गैस रिफाइनरी को बढ़ाने के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश भारत से ही LPG और CNG का इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस समय यूरोपीय देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है, और भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज हो रही है, मालदीव उतनी तेजी के साथ पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस समय मालदीव से अपने हाथ को पूरी तरह से पीछे खींच लिया है और नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें बताया गया कि मालदीव इस समय भारी कर्ज में डूब चुका है, जिससे यह भी देखने को मिल सकता है कि जल्द ही चीन मालदीव के आइलैंड पर कब्जा शुरू कर दे। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कि मालदीव जल्द ही चीन के जाल में फंसने वाला है या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत और श्रीलंका के बीच नेचुरल गैस की इस शानदार डील के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।